माँ काली पावा वाली की जय। माँ काली पावा वाली की जय। बेटा पार्वती क्या हुआ? जल्दी से गंगा मौसी को बुला के ले आओ। हाँ ठीक है चलो। हे माँ काली, आप मुझे जरूर भाई देना माँ, नहीं तो मैं राखी किसे बांधूंगी। आशा, पता है कल रक्षाबंधन है, तू मेरे भाई को राखी बांधने आएगी? नारे, आज मेरे घर में भी मेरा भाई आएगा, तो फिर मैं मेरे ही भाई को राखी बांधूंगी। गंगा मौसी अभी आती ही होगी। आओ मौसी। हाँ बेटा। बधाई हो देवजी भाई। भाई तेरा भाई। भाई आया। भाई भाई भाई। ले 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 ले। पर क्या? पर पार्वती इस दुनिया में नहीं रही। नहीं। पार्वती 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 पार्वती, ये तूने क्या किया पार्वती, ये तूने क्या किया, इनको किसके सहारे छोड़ के चली गई तू? अरे कुछ तो सोचना था तूने, इन फूल जैसे बच्चों का क्या होगा? पार्वती पार्वती, ये तूने क्या किया? माँ माँ माँ, कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? माँ पिता करतार किसी से किस्मत यूं रूठे नहीं, छूट जाए भले सारी दुनिया पर मां किसी से छूटे नहीं।
कतरा कतरा शक्ति का भंडार है। महके चमन ममता का तो फिर जीवन भर उजड़े नहीं। जग में कहीं भी यूं किसी से कोई माँ बिछड़े नहीं, माँ कोई भी बिछड़े नहीं। केसर, तू तो जानती है कि किस परिस्थिति में मैंने तुझसे शादी की। यानी कि शादी के पहले ही रात मुझे पति की जगह बच्चे की आवाज सुननी पड़ेगी? नहीं नहीं केसर, वो तो अभी सो जाएगा। जन्म होते ही माँ का साथ छूट गया, अब उसे तेरी ममता की प्यार भरी नजर की जरूरत। रहने दो, पहले उसे प्यार से लोरी सुना के सुला दूं, फिर आकर आपको मनाऊंगी। हे प्रभु, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है? लाओ, मैं उसे लोरी गा के सुला देती हूँ। नहीं माँ, आप सो जाओ, मैं अभी इसे सुला दूंगी। तो फिर बाहर जाके सुलाओ ना, नहीं तो तुम्हारा बापू मुझे ही डांटेगा। जा। चल भैया, मैं तुझे चंदा मामा दिखाती हूँ। नौकरी की है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी ना। ओहो, हे भगवान, कौन से जन्म में पाप किए थे तो ये सजा भुगतनी पड़ रही है। नहीं केसर, तुझे पहले ही मालूम था कि मेरे दो बच्चे हैं। तो मैं कहाँ रखने से ना कर रही हूँ, इसे लेते ही इसने मेरी साड़ी खराब कर दी। अब पकड़ो इसे, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। छी, मालूम कहाँ नसीब फूटे थे। ये करम जला मेरे ही नसीब में लिखा था। चुप भी नहीं होता, मरता भी नहीं है, मेरे ही नसीब खराब है। अरे शैतान, चुप हो, चुप चुप हो जा, चल। अरे चुप चुप हो जा, चल। छी, चुप लाओ माँ। हो रहा कि नहीं? लाओ माँ, मैं इसे चुप करा देती हूँ। आ गई बड़ा चुप कराने वाली, चल ले जा इसे और सुला दे बाहर। मैं इसे चुप कराती हूँ। केतन सो गया तो सुलाना ही पड़ेगा ना। मुझे भले सोने को ना मिले पर इसकी सेवा तो पहले करनी पड़ेगी। क्या मालूम मेरा हाथ लगते ही रोने लगता है। अरे कुछ ही दिनों में आदत पड़ जाएगी। बैठो कैसे? क्या है? देखो, मैं दो चार दिनों के लिए शहर जाने वाला हूँ। जरा बच्चों का ध्यान रखना। दो चार दिन? इतने दिनों तक मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? केसर। करम जला, मुआ मुझे चैन से जीने भी नहीं देगा। जीना दुश्वार कर रखा है इसने। चल चुप हो जा। चुप होता है कि नहीं? फट, चुप चुप हो जा। अरे मैं तो कब से इसे गोद में लिए लिए थक गई हूँ, चुप होता ही नहीं। पकड़ इसे, ले जा बाहर, नहीं तो ये मुझे जीने ही नहीं देगा। तंग कर रखा है। क्या बात है केसर? सुन, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मेरा जीना तो मुश्किल होगा ही और तू भी मरेगा। यानी? अरे ये बच्चा है ना, कल का सूरज नहीं देखना चाहिए। ऐसी जगह गड्ढा करके डाल देना कि यमराज को भी पता ना चले। अरे मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। तो फिर रात को दरवाजा खुला रखना। हाँ हाँ, तू जा जा।
माँ क्या ऐसी होती है? नहीं, मैं अपने भाई को एक पल भी अलग नहीं करूंगी। बेटी आशा, तू अभी तक सोई नहीं? जा जा सो जा बेटी, जाके सो जाना। नहीं माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। माँ पिताजी कब आएंगे? कौन है? केसर? अरे अब जल्दी आ गए? हाँ, काम जल्दी खत्म हो गया। पिताजी पिताजी, भैया को बचा लो पिताजी, नहीं तो आज रात को उसे ले जाएंगे। अरे बेटी आशा, कौन ले जाएगा? इन्होंने किसी आदमी को बुला के भैया को गड्ढा खोद के उसमें गाड़ देने के लिए कहा। पिताजी, मैंने अपने कानों से सुना। हाँ हाँ, अब तो तुम्हारी लाडली 4 दिनों का कान तो भरेगी ही ना। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, भैया की कसम खा के कहती हूँ, भगवान की कसम खा के कहती हूँ, पिताजी भैया को बचा लो, भैया को बचा लो पिताजी। नहीं, भाई को कुछ नहीं होगा। केसर, मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है, ये कभी झूठ नहीं बोलती। तो मैं झूठ बोल रही हूँ यही ना? तो खा अपने सुहाग की कसम कि आशा जो कह रही वो झूठ है। अरे उस सौभाग्य के कारण मैं क्यों अपने सौभाग्य की कसम खाऊं? मैंने आपके साथ फेरे लिए थे, आपके बच्चों के गुलामी करने के लिए नहीं। अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। अब तो घर में या मैं रहूंगी या फिर ये आपके बच्चे। ये बच्चे इस घर से नहीं जाएंगे। तो मैं भी जहरीली नागिन हूँ, इन्हें जहर घोल के पिला दूंगी। केसर, मेरे आँखों के रतन जैसे बच्चों को तू जहर पिलाना चाहती है? जी जी जी। मामा, मामा, बेटा, मामा, बेटा, रो मत बेटा, रो मत बेटा, तुझे और बच्चे को लेने आया हूँ। कर लो मुझे रिश्तेदारों के सामने बदनाम कि सौतेली माँ के कारण बच्चों को घर से जाना पड़ा। नहीं बहन, नहीं, वैसे भी मेरे बच्चे तो है नहीं, इसलिए इन भांजों को बड़ा करूँगा तो बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं नहीं आऊंगी, मैं तो अपनी माँ के पास ही रहूंगी। भैया को भले ही ले जाओ, मैं तो अपनी माँ और पिताजी की सेवा करूंगी। क्यों पिताजी? हाँ बेटा। मोहनलाल, तू मेरा बेटा नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा ले जा रहा है। मोहनलाल, बेटा, मेरा भाई। देवजी भाई, धीरज रखिए, जरा भी चिंता मत कीजिएगा। पर मोहन, इस फूल को माँ के दूध की एक भी बूंद नहीं मिली, और आज एक बाप का साया भी जा रहा है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। देवजी भाई, हिम्मत रखिए, धीरज रखिए। बेटा, भैया, मेरा भाई। केसर मर गई आपकी। केसर, आज एक छोटी लड़की ने मेरी नाक काट दी, 50,000 का दहेज लेकर आई थी, विधुर से शादी भी की। मैं कहती हूँ कौन शादी करेगा आपसे मार खाने के लिए? केसर, मैं तुझे वचन देता हूँ कि ये हाथ आप कभी नहीं उठेगा। अगर उठा ना तो मैं भी कोई कच्ची मिट्टी की नहीं बनी हूँ, याद रखना। लक्ष्मी, लक्ष्मी देख, मैं भांजे को ले आया हूँ। भगवान ने पूरी जिंदगी में हमें संतान नहीं दी, पर इस भांजे को अपनी संतान समझ के बड़ा करेंगे। ऐसी पराई संतान से संतान वाले नहीं कहलाते। भाग्य में आए भांजे का बोझ आप ही उठाओ। मैं ऐसी करम जली बच्चे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी जो पैदा होते ही माँ को खा गया। पैदा होते तो मेरी भी माँ मर गई थी लक्ष्मी, और मेरी बहन ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। उस उपकार का बदला चुकाने का समय आ गया है लक्ष्मी। दुनिया में लाखों लोग मरे पर माँ किसी की भी ना मरे। Thank you.
ये क्या? ये चार कपड़े धोने में इतनी देर? ये बर्तन कौन धोएगा? मैं अभी धो देती हूँ माँ, आप आराम कीजिए। आप आराम कीजिए, बढ़िया ही आराम कराने वाली। हाँ, अपना काम कर, आराम कर। सहने पड़ेंगे कितने सदमे जिंदा रहने के लिए, छोटे भाई की खातिर सारे दुख अपने पर ले लिए। क्यों विधाता देख के ये दुख, तेरा दिल पिघले नहीं। जग में कहीं भी यूं किसी से कोई माँ बिछड़े नहीं, माँ कोई भी बिछड़े नहीं। क्यों हंस रहे हो? मैंने आपको कितनी बार कहा कि मेरी चांदनी के लिए अच्छे कपड़े ले आओ, ऐसे साधारण वाले नहीं। अरे तुझसे ज्यादा मैं चांदनी को प्यार करता हूँ। हाँ। पर तू ये क्यों भूल जाती है कि इसके आने से अपने भाग खुल गए हैं। हाँ, ये बात तो सही है। महारानी जी आराम कर रही हैं। इतनी बड़ी घोड़ी हो गई और अब तक बर्तन साफ करना नहीं आया, और कितनी देर लगेगी? देख ये बर्तन धोने के बाद ही कपड़े धो लेना, समझी ना? हाँ माँ, आज मुझे बुखार जैसा लग रहा है, कपड़ा कल धो दूंगी तो चलेगा? ऐसा है तो फिर खाने को भी कल ही मिलेगा, कामचोर कहेंगी। मैं कामचोर नहीं हूँ माँ, आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मेरे सामने जुबान लड़ाती है? देख ये बर्तन धोने के बाद ये कपड़े धो लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना? समझी कि नहीं, कामचोर। अरे मेरी चांदनी कितनी खूबसूरत है ना? हा? मुझे तो डर लगता है मेरी बेटी को किसी की नजर ना लग जाए। अरे किसी की नजर नहीं लगेगी, है ना बेटा? थी ना पिताजी भी अब मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते। अरे इतनी बड़ी घोड़ी हो गई फिर भी बाप के प्यार की भूखी है, जा काम कर। क्या बात है केसर? अभी आपकी लाडली को छोटी बच्ची के कपड़े देखकर जलन हो रही है, इसे भी नए कपड़े चाहिए। अरे तो ले लेंगे इसके लिए भी। पिताजी कल मुझे भैया को राखी बांधने जाना है, नहीं तो मैं कपड़ा नहीं मांगती, भैया कितना बड़ा हो गया होगा। मैं भी सोच रहा हूँ बेटी कि उसे घर ले आऊँ। खबरदार उसे इस घर में लाने की बात भी की तो, जाना है तो तू जा, पर मैं तुझे इस घर में वापस पाँव नहीं रखने दूंगी, कह देती हूँ। हाँ माँ, ये क्या बोल रही हो? क्या अभागे भाई बहन को रक्षाबंधन के दिन भी नहीं मिलने दोगी? मुझे अब तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। सुना, अब तो इसकी भी जुबान चलने लगी। हाँ हाँ, मैं जरूर अपने भाई से मिलने जाऊंगी। तू कहीं नहीं जाएगी, जो ये कहेगी वही तुझे करना पड़ेगा, ये तेरी माँ। वाह पिताजी वाह, माँ तो ममता की मंगल मूर्ति होती है, पर मुझे नहीं पता था कि दूसरी माँ ऐसी होती है। आज अगर मेरी सगी माँ होती तो मेरे भाई को अमर राखी बांधती। आज मुझे पता चला कि लाखों भले मरे पर माँ किसी की ना मरे, माँ किसी की ना मरे। ये लो दवा, तीन बार देना, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। माँ, क्या हुआ मामा को? खबरदार जो मुझे माँ कहा मुए, अब आगे तेरे कदम इस घर में पड़े तब से मेरे घर में अमंगल ही अमंगल होने लगा है। नहीं लक्ष्मी नहीं, ऐसा अमंगल मत बोलो, ये बेचारा तुम्हें माँ माँ कहता रहता है, तो तू एक बार उसे गले लगा के बेटा तो कह दे।
ले जाएंगे? तो कब ले जाएंगे? कल तो रक्षाबंधन है। नहीं नहीं बेटे। माँ, आज तक तुम भी नहीं रही, पर अब तो पिताजी भी बदल गए हैं माँ। आशा, 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 बेटा आशा, आशा बेटा, आशा, 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 आशा। अरे क्या हुआ है जो आधी रात को इतने जोर से चिल्ला रहे हो? आशा कहीं चली गई है। अब गई तो बला गई, जाने दो ना कहाँ जाएगी, 5 दिन में वापिस आ जाएगी। मुझ जैसा कोई नहीं है जो उसे मुफ्त में रोटियाँ खिलाएगा। लाडली बेटी को ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वो अभागन जब से घर से गई है घर में सुख का सूरज उगा है। ये चिट्ठी पढ़िए। अरे मेरा एक अकेला भाई था जो मर गया। अरे रे। अरे क्या अरे अरे, पूरी बात तो सुनो। वो सारी जायदाद मेरे नाम करके मरा है, पूरे 5 लाख है, 5 लाख। हाँ। तुझे सिर्फ माल मिलकियत और रुपए ही दिखते हैं क्या? अरे माँ बाप की सच्ची दौलत तो उनकी संतान होती है। हाँ, अब आप कहाँ बिना संतान के हैं, अपनी चांदनी जो है। क्यों? आशा भी तो हमारी बेटी है ना, उसमें भी तो मेरा ही खून है ना, कहाँ गई होगी बेचारी। आप तो दूसरी बीवी लाके सुखी हो गए, पर आपके अभागे बेटे के कारण मेरा घर बर्बाद हो गया। मैं तो छाती पीट के उसे श्राप देती हूँ कि वो घर घर भीख मांगेगा, भीख। कोई पैसा दो, पैसा दो, बहुत भूख लगी है, भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, कोई पैसा दे दो। भूखा है, उसे खाना दे दो ना, भगवान आपका भला करेगा सेठ। चल चल आगे चल। सेठ 2 दिन से कुछ खाया नहीं, खाना दे दो ना। निकल इधर से। दया करो सेठ, 5-10 पैसा दे दो ना सेठ, इसके बदले भगवान आपको लाखों रुपए देगा। चल। भूख लगी है बहन, ये पानी पी लो भाई,
भूख मर जाएगी। नहीं नहीं, अब जो खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा बहन, मैं मर जाऊंगा। ऐसा मत बोल भाई, ऐसा मत बोल, मेरा कलेजा जलता है। चल चल उठ, भिखारी कहीं की। हम भिखारी नहीं है सेठ, मेरे भाई ने 2 दिन से खाया नहीं। खाना दोगे तो भगवान आपका भला करेगा। बड़े आए भगवान वाले, चलो। सर, हाँ? मुझे मेरी आशा याद आ गई। कहाँ होंगे मेरे बच्चे? पर वो लोग तो खुद भाग कर गए ना, हमने तो नहीं निकाला ना। आप तो ढूंढ ढूंढ कर थक गए, अब उसमें मैं क्या करूँ बताओ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मुझे लगता है कि मुझे बाप कहलाने का कोई अधिकार नहीं। कहाँ होंगे मेरे कलेजे के टुकड़े? वो किस हालत में होंगे? तुम्हारी माँ या पिताजी कोई नहीं आया? हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप हम पर दया करके आशीर्वाद दोगे तो भगवान आपको बहुत सुखी रखेगा। हम आपके चौखट पे पड़े रहेंगे, जो कहेंगे वही काम करेंगे। बेटा, यहाँ मैं तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ? ये तो हॉस्पिटल है, यहाँ किसी को रहने नहीं देते। डॉक्टर साहब 12 नंबर का पेशेंट फिर से सीरियस हो गया। हाँ। बेटा ये लो मेरी तरफ से, चलो गुड लक। चल मेरे भाई। हाँ
सहने पड़ेंगे कितने सदमे जिंदा रहने के लिए, छोटे भाई की खातिर सारे दुख अपने पर ले लिए। क्यों विधाता देख के ये दुख तेरा दिल पिघले नहीं, जग में कहीं भी यूं किसी से कोई माँ बिछड़े नहीं, माँ कोई भी बिछड़े नहीं। भाई तू यहीं बैठ, मैं जब तक वापस ना आऊं तब तक तू यहीं बैठना। ठीक है। फूल ले लो, फूल फूल कचरा, फूल ले लो, फूल माजी, ये क्या हुआ माजी, ये क्या हुआ? तू कौन है बेटी, मुझे मेरे घर पहुंचाएगी? हाँ माजी, पर आप इतनी उम्र में भी मेहनत करती हैं। पर पेट तो भरना पड़ता है ना, और तू? मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं और मेरा भाई दो ही हैं। अगर आप हमें रहने के लिए आसरा दोगी तो मैं आपका सब काम करूंगी। बेटी तू मेरे साथ रहेगी? आप हाँ कहोगी तो मैं जरूर रहूंगी। आज से तू मेरी बेटी। माँ जी आप थोड़ी देर यहाँ छाँव में बैठिए, मैं अपने भाई को ले आती हूँ। ठीक है बेटी। मैं अभी आती हूँ माँ जी। जल्दी आ बेटी। इतनी छोटी सी उम्र में जेब काटता है, बदमाश जेब काटता है। शिक्षा चलो। क्या हुआ भाई? उस आदमी ने मुझे चाटा मारा। पर क्यों? मैं उनका सामान उठाने जा रहा था, उन्होंने मुझे जेब कतरा समझा और एक चाटा मार दिया। अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, अब मैं कमाऊंगी और तुझे बहुत पढ़ाऊंगी और एक बड़ा आदमी बनाऊंगी। चल भाई। माँ जी ये मेरा भाई केतन। आओ बेटा आओ। लाइए माँ जी, आज से ही काम शुरू कर देती हूँ। ठीक है। फूल ले लो गजरा ले लो, फूल ले लो, कोई ले लो। कचरों का है जीवन जग से।
रूप बाग की रूप कली सुंदर फल सुहाना लगता है, तेरी हर एक अदा में फूलों की महक और बहार लगती है। ए फुलवाली सुनती है कि नहीं? ए फुलवाली, कब से चिल्ला रहा हूँ, सुनती नहीं है क्या? मेरा नाम फूलवाली नहीं, आशा है, आशा। और सुन लो, मुझे बहुत कम बोलने की आदत है, चाहिए तो आप चौके के चक्कू दर्जी वाले से पूछ लो, पीछे खड़े भग्गा भाई से पूछ लो, खटिया के खान साहब से पूछ लो, अरे पतली गली में सोनचंद की सोनी से पूछ लो, अरे हाँ सिनेमा वाला सारा भाई से पूछ लो, फोटो वाले फतेह चंद से पूछ लो, और कुर्सी वाले प्रधान से पूछो। और अभी भी मुझे ज्यादा जानना है तो मेरे घर के सामने पान वाला पोपट लाल है, उससे पूछो, ये सब मुझे आशा के नाम से पहचानते हैं, आशा नाम से। फूल वाली, मैं नहीं पहचानता था। तो आज तो पहचान लिया ना, अब आशा को पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। अरे साहब, सुबह उठते के साथ ही नहा धोकर और तुरंत भगवान के मंदिर में हाथ जोड़कर जैसे ही सर पे टोकरी रखी तो पैर होते होते पूरे शहर के चक्कर काटने पड़ते हैं, और ना खाया ना पिया, यहाँ आकर कजरा घूमने बैठ जाती हूँ, और शाम हो जाती है। तो बोलिए, फिर आशा को बात करने का वक्त कहाँ से मिलेगा? इसलिए मुझे बात करने की बहुत कम आदत है। सामने खड़े क्या देख रहे हो? बोलो, गुलाबी गजरा दूं या चमेली की वेणी दूं? गजरे का 8 आना और वेणी का 1 रुपया। मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, पर आपको लगेगा कि गजरे का 8 आना और वेणी का 1 रुपया क्यों? साहब, गजरे में कोई भी फूल डाले तो चलता है, पर वेणी एक ऐसी चीज है जिसमें असली चमेली के फूल चुन चुन कर गूंदना पड़ता है, पूरी रात सुगंध आएगी, पूरी रात। बोलिए, वेणी या गजरा? गजरा भी नहीं चाहिए और वेणी भी नहीं। लो, तो यहाँ क्या लेने आए थे? मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, पर मैं कह देती हूँ, आपके जैसे बहुत लफंगे देखे हैं। मैं तो यहाँ 15 साल से बैठी रहती हूँ, कितने लल्लू पंजू आए और गए, पर हम तो यही के यही हैं। अरे मन चंगा तो कटोरती में गंगा, मन साफ हो तो माँ माँ काली हमें दूसरों की गंदी नजर से बचाती है, सच में है ना? क्या दू वेणी हार गजरा? मैं क्या भगवान भगवान को नहीं मानता, दो हार दे दे बाबा। बस दो ही हार? मुझे तो लगा गाड़ी वाला है, अच्छा धंधा होगा, पर ये तो कंजूस निकला, कंजूस। देखिए साहब, मुझे बहुत कम बोलने की आदत है, कोई माने या ना माने, ये तो कलयुग आ गया है, इसलिए लोगों का मन फिर गया। अरे मानव मात्र और भूल के पात्र, भूल चूक लेना देना, वैसे तो धंधे में बहुत साफ हूँ। बोलिए, मंदिर के हार का 2 रुपया और शादी के हार का 12 रुपया, कौन सा दूँ? अरे ओ साहब, अरे साहब अपना हार तो लेते जाओ, पहले कान में रुई डाल के आता हूँ। पर मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, मुझे बहुत कम बोलने की आदत है, पर ये अपना हार तो लेते जाओ। अरे ओ साहब, ये आपके बाकी के पैसे तो लेते जाओ। अरे कमाल है, अब मैं क्या करूं? भगवान की जैसी मर्जी, किसी दिन मिल जाए तो वापस कर दूंगी, नहीं तो दान की पेटी में। शंभू, क्या लाए हो? अरे अच्छे हार लाए हो सेठ जी, हार देख के तो अच्छे अच्छे दिल हार जाते हैं। छोटे सेठ, मुझे एक विचार आ रहा है, इस हार को गूथने वाली पर हमें गुजराती फिल्म बना देते हैं, मन चुराने वाली हार वाली। शंभू, समझ गया, ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा बोलने से आपको चिढ़ है, अगर अभी एक शब्द भी बोलूं तो मुझे मेरे इस दिव्य की कसम। छोटे सेठ, वो चांदनी बहन आई थी ना, वो कार्ड दे के गई है। चांदनी आई? हाँ। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, इसका मतलब? यानी तेरा सर। हाँ। इसका मतलब सर को अंग्रेजी में हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। अब तो मैं अंग्रेजी फटाफट सीख जाऊंगा, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, मतलब सोने, चाय लेते आना।
जैसे पोपटलाल का पान वैसे चंदू की चाय। अय हाय, तेरी लचकती चाल देख के मेरे दिल पे लग गई थी। कैसे हो पोपट मामा? अय मुझे मामा नहीं, मामा नहीं छोरी, मामा मत कह। तो क्या नाना कहूँ? अय हाय पोपटलाल, देखा तूने, तेरा पत्ता कट। अरे तेरा नंबर थोड़ी ना लगा जो तू खुश हो रहा है। अरे वो तो सुबह शाम इसका मुंह देखने के लिए मैंने दुकान खोली है, कभी तो नंबर लगेगा। माँ आज पूरे दिन इतनी थकान लगी है, इतनी थकान लगी है कि सीधा सोने का मन कर रहा है, पर क्या करूं, मैं तो भूखी सो जाऊंगी, पर तुझे या केतन को थोड़ा ही भूखा सोने दूंगी। नहीं पकाऊंगी तो तू बड़ बड़ करेगी, और तू तो जानती है कि मुझे कितना कम बोलने की आदत है। लो केतन अभी तक पढ़कर वापस नहीं आया, तो तेरी दवाई कौन ले आएगा? बहन बारे मेरे भाई, 100 साल की उम्र होगी मेरे भाई की, पर अरे केतन तू माँ की दवाई लाया? हाँ बहन ले आया, दवा आ गई। ठीक है दवा लाया तो उसमें मुझे इतना बड़ बड़ क्यों करता है? मैं तो थक गई हूँ इसलिए सर दुख रहा है, पर मुझे लगा कि तू आएगा तो मैं गर्मा गर्म रोटी बनाऊंगी, तू खाता जाए मैं पकाती जाऊं, तू खाता जाए मैं पकाती जाऊं। अरे पागल इसमें हंस क्यों रहा है? गर्मा गर्म खाने से दिमाग ज्यादा चलता है और तू पहले नंबर से पास हो जाएगा। माँ अरे ओ मेरी माँ, तू रोज दवा 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 करती थी ना, ले पी ले दवा, देख मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, चल उठ जल्दी से पी ले। माँ ले माँ, तू भी क्या माँ? माँ 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 तो नहीं नहीं माँ मा। मा। नहीं माँ नहीं माँ नहीं, बड़ी मुश्किल से एक आसरा मिला था माँ, तेरी ममता मिली थी, तूने तूने ही हमें, नहीं माँ तू भी आज हमें अकेले छोड़कर चली गई माँ। मैंने सगी माँ का तो मुंह नहीं देखा माँ, पर तुझ में उसकी ममता की झलक देखी है माँ, वो प्यार अब मुझे कहाँ मिलेगा माँ, कहाँ मिलेगा माँ। माँ भगवान हमारा ये सिर्फ एक ही आसरा था, वो भी तूने छीन लिया। रोते भी लगते रह जाए बच्चे, किस्मत यूं बिगड़े नहीं, जग में कहीं भी यूं किसी से कोई माँ बिछड़े नहीं, माँ कोई भी बिछड़े अरे चांदनी क्या चीज है? अरे चीज वो तो फटाकड़ा फटाकड़ा।
अरे मुझे तो ये हेमा मालिनी जैसी लगती है, मैं तो उसके जूते साफ करने को तैयार हूँ। अरे यार मैं तो साबरमती में कूदने को तैयार हूँ। ओ मैडम। ए लंगड़े, क्या है रे? ए मैडम, जरा देखभाल करके गाड़ी चलाइए। भगवान ने आपको आंखें दी हैं कि नहीं? माय फुट, तुझे यहाँ से चलने को किसने बोला था? शट अप, ये पैसे का रुआब किसी और को दिखाना। ये कपड़े क्या आप धोएंगी? ज्यादा बकवास नहीं चाहिए। ये लो 10 रुपए, लॉन्ड्री में दे देना। अब चल फुट यहाँ से। ओ एक्सक्यूज मी मैडम, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, समझी? अरे जा। ए, यू हैव टू से सॉरी फर्स्ट। छोड़ दे मेरा हाथ, निकालूं क्या चप्पल? ए लंगड़े, क्या दादागिरी कर रहा है? अबे खुद को फिल्म उपकार का प्राण समझता है? से सॉरी एंड गो। ए चांदनी, तू गए तो इसको एक थप्पड़ मारूं क्या? मे आई हेल्प यू? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अकेली लड़की ही 10 लड़कों से निपट सकती हूँ। छोड़ मेरा हाथ। वैसे आशा, आज मुझे दो आठाने वाली वेणी, 2 रुपए वाले 2 गजरे, 2 12 रुपए वाले हार बांधो, और बचे हुए पैसे के फूल, ये लो पैसे। आपके पैसे मेरे पास है साहब। उसे जमा रखो, मैं एक बार दिए हुए पैसे वापस नहीं लेता। और मैं हराम का पैसा नहीं लेती। आशा, मेरे पैसे हराम के नहीं है, पसीने की कमाई है, पसीने की। पसीना? पसीना बहाने का काम तो भगवान ने हम जैसे गरीबों के नसीब में लिखा है। आप जैसे पैसे वालों को तो पसीने की गंध भी नहीं मिलती है। आशा, आज तुम बहुत दुखी लग रही हो। दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं साहेब, पर आपको दुख का क्या पता? आशा, तुम ऐसा सोचती हो कि मैं बहुत सुखी हूँ? नहीं आशा, बचपन में पिताजी गुजर गए, माँ एक मेले में बिछड़ गई, बस तब से मेहनत मजदूरी करके भाग्य संवारा है आशा। मेरी भूल हो गई है साहब। मेरा नाम अमर है। अमर बाबू, मैं तो बचपन में ही माँ का साया खो बैठी हूँ। माँ के ममता और प्यार के सामने दुनिया की कोई चीज नहीं है। कहाँ जाना है तुम्हें? मैं तो घर जा रही हूँ। तो चलो मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ देता हूँ। गाड़ी में? नहीं नहीं, पर अमर बाबू आपको तो फूल लेना था ना? हाँ फूल तो लेना था, पर अब जरूरत नहीं है। चलो। घबराओ मत आशा, मैंने तुम्हारा घर देखा है, चलो। कमाल है, घर देखा है, घर देख। चूना लगे चका चक तो मुंह हो जा। अरे ये क्या, ये मुझे पैसों से खरीदना चाहते हैं? गरीबी की कीमत? क्या ये कागज के टुकड़े होंगे? नहीं नहीं आशा। आइए चंदू काका, बैठिए। बेटी, वो 8 महीने का भाड़ा चढ़ गया है। मांगना था तो तेरी माँ मर गई, और अब तू जो भाड़ा नहीं भर सकती है तो घर खाली कर, मैं दूसरे को दे दूं। पोपटलाल 100 रुपया भाड़ा देने को तैयार है। हे भगवान, क्या करूं? नहीं चंदू काका, बस 1 ही महीने में सारा भाड़ा चुका दूंगी। पैसे इकट्ठे किए थे पर माँ की अंतिम क्रिया में सब खर्च हो गए। केतन की पढ़ाई इस महीने में पूरी हो जाएगी, उसे नौकरी मिल जाए बस इतने ही दे, सारे कर्जे ब्याज के साथ चुका दूंगी। वो तो सच बात है बेटी, पर इस जमाने में नौकरी जल्दी कहाँ मिलती है। खैर ये महीना तो मैं जाने देता हूँ, पर आगे नहीं छोड़ सकता। अरे ओ केतन बेटा,
जरा यहाँ तो आ, इस पोपट लाल का पान तो खाते जा। पोपट लाल, मैं पान खाता नहीं हूँ, ये तो आप जानते ही हैं। अरे वो तो मुझे पता है, पर मुझे तुझे एक बात कहनी है। यहाँ तो आ भाई, वो तो तू घर का आदमी है और फिर अपनी इज्जत का सवाल है। अरे मेरे भाई, अरे मेरी बात को मानता क्यों नहीं? मुझे मेरी बहन पर विश्वास है। अरे पोपट की बात मान, मैं सच कह रहा हूँ। विश्वास है। ला। बहन, अपने पिताजी किस गांव में रहते हैं? क्यों भाई, आज अचानक से पिताजी की याद क्यों आई? बहन के प्यार में कोई कमी आ गई है क्या? नहीं बहन, तूने तो मुझे माँ बाप सबका एक साथ प्यार दिया है। परंतु बहन, बेटी जवान हो जाए तो उसके सर पे भी माँ बाप का साया जरूरी होता है, भले ही वो सौतेले तो उसके हाथ पीला करके उसे पराए घर ब्याह दे देना चाहिए। हाँ बहन, मैं तो लंगड़ा लाचार तुझ पर बोझ बन के जीता हूँ, उसमें भी तू कहीं ऐसा कदम उठा ले तो मुझे मौत भी नहीं मिलेगी। मौत मिले तेरे दुश्मन को मेरे भाई, बचपन से तुझे बड़ा किया तो भी आज तेरे मन में शंका की सुई चुभी। भाई गलत कदम उठाऊं तो मुझे मेरे भाई की कसम है। केतन मेरे भाई, जिस दिन तू इस बहन पर से विश्वास खो बैठेगा, उस दिन से इस शरीर से प्राण अपने आप निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। नहीं बहन नहीं, ऐसा ऐसा मत बोल, मुझसे भूल हो गई बहन, मुझसे भूल हो गई बहन। वाओ, ब्यूटीफुल। मेन साहब, आप मेहरबानी करके कहीं हाथ मत लगाओ, कारण कि इसमें से एक भी चीज आगे पीछे हुई ना तो मेरे सेठ मेरी चमड़ी उधेड़ के उसके जूते बना के आपको पहनाएंगे। समझी? क्या समझी? मैंने आपके लिए चाय बनाई है, चाय पी के झटपट चुपचाप यहाँ से रवाना हो जाइए, क्योंकि मेरे सेठ कब घर आएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं होता। और हाँ, मेरे सेठ ने मुझे बिल्कुल कम बोलने को कहा है, ज्यादा बोलने वाला इंसान उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें बहुत चिढ़ है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ बोलूं तो मेरी नसवार के डिब्बी की कसम, सच कह रहा हूँ। इंसान के ज्यादा बोलने का क्या मतलब, बहुत कम बोलना चाहिए, पर मेरा क्या है? समझी? मैं नहीं बोलता ना तो सब पेट में भरा रहता है, पेट में दर्द उठता है और उसे बाहर निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, जीने के लिए इंसान को बोलना पड़ता है। ठीक है, अब तू अकेले अकेले बोलता रहे, और तेरे साहब आए ना तो बोलना कि कल मेरा बर्थडे है, आना भूले नहीं। समझ में आया? समझ गया। इतना खुला कहेंगी तो मैं समझूंगा नहीं क्या? और मेरे सेठ नहीं आएंगे ना तो मैं खुद आ जाऊंगा। आशा। अमर बाबू, ये कागज के टुकड़ों के जोर पर गरीबों की इज्जत खरीदने निकले थे, पर आशा ऐसी लड़कियों में से नहीं है। मैं जहर पी लूंगी पर रूपमती बन के रूप का व्यवहार नहीं कर सकती। अरे इज्जत तो हम गरीबों के लिए पूंजी होती है। आशा, तुम्हारी पूंजी तो वाकई अनमोल है, मगर तुमसे मिलने का बहाना चाहिए था, कैसे लौटाने के बहाने तो मुझसे जरूर मिलती। पर मुझे पाकर आपको क्या मिलेगा अमर बाबू, मैं तो एक गरीब फूल वाली, और आप? प्रेम गरीबी अमीरी नहीं देखता। मतलब? आशा, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम्हारी मूरत मेरे दिलो दिमाग पर छाई है। मैं एक चित्रकार हूँ और मेरा आखिरी सपना तुम हो आशा, तुम। कहते हैं प्रेम एक आग का दरिया है। मैं तुम्हारे लिए उस ज्वाला में जलना चाहता हूँ। लेकिन ये पाप मुझे लगेगा। मैं तुम्हें पुण्य की देवी मानता हूँ। देवियों की तो पूजा की जाती है। मैं पुजारी होकर तुम्हारी पूजा करूँगा। तुम्हारी बातों में आऊंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। यही मेरे प्रेम की सत्यता को साबित करता है आशा। आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे, चाहे दुनिया के हर जुल्म सहने पड़े। मैं जिंदगी भर तुम्हारे जवाब की राह देखूंगा आशा। अमर बाबू, उसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगी। जब तक मैं अपने भाई को पढ़ा लिखा के अच्छी नौकरी पे नहीं लगाऊंगी, तब तक प्यार का विचार करना वो तो मेरे लिए पाप होगा। छठे सेठ, मैं कहता हूँ कि आपकी दो आंखें हैं तो मुझे भी दो आंखें,
आपके दो हाथ हैं तो मेरे भी दो हाथ हैं, आपका एक पेट है तो मेरा भी एक पेट है, और आपका छोटे से ये सब बड़ा इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो जो है वो सब कुछ मेरे पास है, पर मेरी नैया बार क्यों नहीं लगती? आपकी शादी के लिए तो रिश्ते पर रिश्ते, रिश्ते पर रिश्ते आ रहे और लड़कियों की लंबी लाइन लगती है। अरे छोटे सेठ, मेरे बाप को मैंने कहा, बापू अब तो मेरी शादी की उम्र हो गई, अब मुझे जल्दी से ठिकाने लगाओ, तो मुझे कहते शांति रख, जल्दबाजी से आम नहीं पकते। अब आप ही बताओ कि जब आम पकेगा तब मेरी आम खाने की उम्र नहीं बीत गई होगी? शंभू। हाँ भाई, तू एक काम करना। करूंगा। तू गिरनार पर्वत जा, भैरव जप कर, उसके बाद तेरा कल्याण हो जाएगा। हाँ, भैरव जप करूं? अरे मैंने तो आज तक भजिया खाया, लड्डू खाया, वड़ा खाया, गाठिया खाया, जलेबी खाई, लोगों की लात खाई, मार खाया, गालियां खाई, पर भैरव जप नहीं खाया, इसीलिए मेरे साथ मुसीबत है। पर अब तो जल्द से जल्द गिरनार पे जाके भैरव जप नहीं किया तो नसवार की डिब्बी की कसम। अरे चांदनी, जरा इधर भी देखो। ए मच्छर, ये चप्पल देखा है? तेरी चांदनी, तेरे बिना मुझे नींद नहीं आती। एक कबूतर, ज्यादा गुटरगू मत कर, एक चाटा पड़ेगा ना तो दादी परदादी सब याद आ जाएगी। अरे चांदनी, अरे कहाँ जा रहे हैं? बचाओ मेरी आवाज को, लेके रहूंगा मैं। भाई, आज तूने मेरी इज्जत बचा के मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तूने भाई कह के उपकार का बदला चुका दिया बहन। मुझे बहन से प्रिय और कोई नहीं है बहन, कोई नहीं। मुझ पर एक और उपकार करोगे भाई? आज मेरा जन्मदिन है, आज तुम मेरे घर आओगे तो मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। आज नहीं, फिर किसी दिन आ जाऊंगा। केतन, अमर बाबू तुझसे कुछ बात करने आए थे, मैंने उनको तेरी नौकरी के लिए सिफारिश की थी। तो फिर वो मिले बिना अचानक चले क्यों गए? मैं भी यही सोच रही हूँ। बहन, दुनिया में पैसे वालों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही दुखदाई है। पर अमर बाबू ऐसे नहीं है। वो तो समय बताएगा बहन, सो जा आप। Thank you.
ओहो, इतनी सुबह सुबह किसका फोन होगा? हेलो। हेलो जनाब, गुड मॉर्निंग। आपके तो दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं, फोन पर भी बात नहीं करते। ऐसा लगता है कि हमारी शादी के बाद मेरा क्या होगा। एनीवे, आज 5 बजे मैं आपके पास आ रही हूँ, और श्रीमान, उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर जरूर रहेंगे। ओह प्लीज नो कमेंट। ओके, बाय बाय डार्लिंग। ला 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 ला। मम्मा। अरे बेटी, तू क्यों इतनी जल्दी तैयार हो गई? आज भाई दूज है। हाँ। मैंने जिसे भाई माना है ना, उसे राखी बांधने जाना है। चांदनी बेटा, चांदनी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, मुझे लगा तुम तैयार नहीं हुई। कैसे नहीं, आज अगर मेरा सगा भाई होता तो। बेटा ये सब किस्मत का खेल है, तुम्हारा एक भाई भी था और एक बहन भी। सॉरी पापा, वो लोग बेचारे कहाँ भटकते होंगे। ठीक है, सुबह सुबह दोनों बाप बेटी मिलके उन अभागों के नाम की माला ही जपने लगे। ए सर, तू भी क्या, जाओ ऑफिस जाओ। हाँ चल बेटा। बाय मम्मा। बाय। लो आ गए। बाय बाय। आप भी चलिए ना पापा। नहीं बेटा, मुझे देर हो रही है, फिर कभी। ठीक है, ओके। बाय बाय। बाय बाय। बहन, आज मैं इस भाई दूज पर तुझे सोचता हूँ क्या दूँ। मेरे पास देने जैसा तो है। अंतर का आशीष, दिल में लाखों अरमान हो तो वो कुदरत जैसे रखे वैसे रहना। करोड़ों वर्षों तक जियो और युग युग तक तेरा नाम हो मेरे भाई। बस इतना ही मांगती हूँ कि तू मुझसे कभी दूर ना हो सके। नहीं तो एक नहीं, दो दो बहनों का जीवन जहर बन जाएगा भाई। अरे चांदनी। हाँ भाई, आज तो अंतर के दिए जला के तेरी आरती उतारे तो भी कम पड़ेगी। बहन ये चांदनी है, इसने मुझे भाई माना है, और चांदनी यह मेरी बड़ी बहन आशा। बड़ी बहन, आज आपके प्यार में भागीदार बनने आई हूँ। अरे भाई के प्यार का हिस्सा तो 100-100 बहन बांटे तो भी भाई के प्यार का खजाना कम नहीं होता, क्योंकि भाई बहन के प्यार का पवित्र रिश्ता ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। और मेरे लिए तो केतन ही मेरा कलेजा है, मेरी धड़कन है। पूछना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी पूछ रही हूँ कि आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है? है बहन, जिस दिन मेरे घर में मेरा भाई जन्म लिया उसी दिन मेरी माँ मर गई, पिताजी ने दूसरी शादी की, फिर सौतेली माँ का जुल्म शुरू हुआ, मैं अपने भाई को लेकर भाग गई। मैं अपने बच्चे जैसा मैंने इसे बड़ा किया है बहन। धिक्कार है उस बाप पर जो दूसरी शादी करके अपनी संतान को भूल गया। धिक्कार है उस बाप पर कि लोग जिसके लिए मन्नतें मांगते हैं ऐसी संतान को उन्होंने ढूंढा भी नहीं। धिक्कार है उस बाप पर कि पिठी के वारिस पुत्र को उन्होंने भटकने दिया। नहीं बहन नहीं, ऐसा मत बोल। लोगों को दोष देने के बदले विधि के दिए गए वरदान को खुशी से स्वीकार लेना चाहिए। और स्वर्ग लोग में देवी देवताओं को प्रार्थना करो कि संसार में किसी पर ऐसा जुल्मो सितम ढाना नहीं। मरने वाले लाखों मरे पर वह किसी की मरे नहीं। भाई, 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 भाई। ये अभी कौन घंटी बजाने लगा? हिलो, हिला।
हिलो यहाँ, हिला। अरे कितनी बार हिलाओगे मुझे, आधे घंटे से हिली तो रहा हूं मैं। हाँ आगे बोलो। क्या कहा? छोटे सेठ। अरे मेरे छोटे सेठ तो बाहर गए हैं भाई। क्या कहा? बाहर गए? ओके केसर। हाँ? अमर घर में नहीं है। मुझे लगता है कि पंडित जगन्नाथ को भेज के सगाई पक्की कर लेनी चाहिए। ऐसे काम में देरी नहीं होनी चाहिए। अरे चांदनी के साथ अमर की शादी की बात तो पक्की हुई ही है ना, इसमें फिर बात क्या करनी है अब। हाँ अच्छा सा मुहूर्त देखकर सगाई कर देते हैं। अरे पर चुनरी तो पहनाओगी ना, हम लोग लड़की वाले हैं। हाँ, ये बात पापा, तो सही। पापा हा? मैंने जिसे भाई माना है ना केतन, हा? वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। अरे वाह, आज मैं उसे जरूर घर पर लेकर आऊंगी। जरूर बुलाना बेटा। ओह माय स्वीट पापा। कांग्रेचुलेशंस केतन। थैंक यू बहन। आज तो मैं तुझे घर पे लिए बगैर नहीं जाऊंगी। चल मेरे पापा तुम्हारी राह देख रहे हैं। पर बहन। कुछ बोला तो तुम्हें तुम्हारी बहन की सौगंध। हाँ भूलना नहीं फिर। ओके ओके ओके। भगवान की कसम सेठ जी, मेरा स्वार्थ नहीं है इसमें, पर आप कहो तो दिन तिथि पक्की करके सगे संबंधियों के सामने सगाई कर लेते हैं। और लड़की तो आपने देखी है और शादी के लिए भी आपने हाँ बोला है। हाँ बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि शादी उसी के साथ करूँगा। छी 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 सेठ जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप। इस देश में प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपकी बात सही है, मगर मर्जी बिना शादी करके दुखी भी तो नहीं होना चाहिए। अरे पर इसमें दुखी होने की बात ही नहीं है सेठ जी। हाँ आप दहेज की बात करो तो मैं भी डी के सेठ से बात करता हूँ। पंडित जी मुझे दहेज की कोई जरूरत नहीं है। आप चांदनी के पापा को जाकर कह देना कि इस बात को भूल जाए, आपको आपकी दक्षिणा मिल जाएगी। शंभू आया सेठ। पंडित जी को चाय पिला के दक्षिणा दे दो। हाँ ठीक है। बस शंभू खार के हवेली तान दे तंबू, ऐसा है शंभू। क्यों पंडित जी? वो तो है। कैसे हैं पंडित जी? आपको किसी दिन मेरे लिए कुंडली देखने या मेरे लिए लड़की दिखाने का टाइम नहीं मिलता कि मेरे सेठ कोई मक्खन लगाते रहते हो? अरे पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शर्म नहीं आती? चिपक गए हो, चलो निकलो यहाँ से। पर चाय? चाय? हाँ वो तुम्हें ना नहीं कहूंगा, लीजिए चाय। चाय कड़क मस्त बनी है, स्पेशल मीठी मीठी। वाह वाह शर्म नहीं आती? चाय चलो निकलो यहाँ से। अरे पर मेरी दक्षिणा तो दो। अरे जाते हो कि तो जूते उठा के मारो। अरे पर मुझे जूता तो लेने दो। ले जाओ तुम्हारे किस्मत में जूता ही है, है? चले आते सेठ को मक्खन लगाने। अरे मैं तो किसी को दिखता ही नहीं हूँ। अरे मैंने तो मेरे सेठ के कहने पे भैरव जब खाया तो भी मैं ठिकाने नहीं लगा और रह गया कुंवारा का कुंवारा ही। हे हनुमान दादा, अब आप ही मुझे कोई नई मिठाई बताइए कि मैं खाऊं और जल्दी से ठिकाने लग जाऊं। हनुमान दादा, जो आपने सपने में आके नई मिठाई नहीं बताई ना, तो आपको मेरी नसवार की डिब्बी की कसम। लगी तो नहीं ना? नहीं साहब। पापा यही वो केतन है जिसे मैंने भाई माना है। ओह केतन बेटा, तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचा के हम पे बहुत बड़ा उपकार किया। लो बेटा ये तुम्हारा इनाम। नहीं नहीं सेठ जी, इज्जत और आबरू की कोई कीमत नहीं होती, और चांदनी, चांदनी तो मेरी बहन है। इस नाते आप मेरे पिता हुए और मैं आपका बेटा हुआ। फिर भी सेठ जी मैं आपका अपमान नहीं करूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं सामने से आके मांग लूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारा ये कर्ज मुझ पर उधार रहेगा। आप कब तक इसे यूं ही खड़ा रखेंगे? एक तो बेचारा लंगड़ा है, ऊपर से आपने इसे खड़ा कर रखा है, चाय नाश्ते को तो पूछो। बैठ बेटा बैठ। बैठो। हाँ केतन ये मेरी मम्मी है। नमस्ते। नमस्ते। अरे केतन ये चांदनी मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे घर में बड़ी बहन के अलावा और कोई नहीं है। नहीं। तुम्हारे माँ बाप? माँ तो बचपन में ही मर गई। ओह। मुझे मेरी बहन ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, मेरे लिए तो वो देवी समान है। भगवान करे दुनिया में सब भाइयों को मेरी बहन जैसी बहन मिले। अरे ओ फूल वाली, जरा पोपट पान वाले के सामने देख के तो जा।
हम हैं तेरे आशिक सदियों पुराने, न गाड़ी है न बंगला फिर भी हम तेरे दीवाने। ओ पटलाल जी, मुझे गाड़ी बंगले का क्या काम है, मैं तो रोज सुबह शाम आते जाते आदमी का मुंह देखती हूँ ना, और मुझे लगता है कि क्या लगता है कि मैं मुंह तोड़ दूँ। कमीने, तू अपने आप को क्या समझता है? अच्छा, तू कितनी सती सावित्री की औलाद है ये मुझे पता है, मैं तुझे देख लूंगा। अरे, अरे चल चल, बड़ा आया मुंह देखने वाला, चुल्लू भर पानी में जाके डूब मर। बोबट, ये कौन था गाड़ी वाला? चंदू काका, आपकी बस्ती में कैसे कैसे धंधे चल रहे हैं ये आपको क्या पता, आपने तो आज देखा, मैं तो ये खेल रोज देखता हूँ। खेल? हाँ, और एक दिन ऐसा आएगा कि अच्छे घर के सब लोग ये बस्ती छोड़कर चले जाएंगे, और फिर हमारी भी तो बहन बेटियाँ हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। हाँ वही तो। मैं ये बात जरूर केतन से कहूंगा, आशा ऐसी होगी मैंने सोचा नहीं था। हाँ आशा मेरी रानी, अब आएगा मजा। अमर बाबू, यू रोज रोज लोगों के बीच में से आप मुझे गाड़ी में बिठा के बगीचे में घुमाओगे तो मेरा धंधा खराब हो जाएगा। आशा, मैं तुम्हारी जिंदगी सुधारना चाहता हूँ। लो, मुंह मीठा करो। क्यों, किस खुशी में मुंह मीठा कराना चाहते हो? आज सुबह एक पंडित जी मेरी शादी का प्रस्ताव लेके आए थे। तब तो शादी मुबारक हो अमर बाबू। आशा, ए आशा, 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 आशा रुक जाओ। देखो आशा, इस तरह मुंह मीठा किए बगैर मुबारकबाद दोगी ये नहीं चलेगा। मुंह मीठा करा के मेरे जीवन में जहर क्यों घोल रहे हो? क्या जरूरत थी आपको मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने की? क्या जरूरत थी आपको मेरे साथ प्यार का नाटक करने की? आशा, ये मेरा शौक है। शौक? हाँ, किसी लड़की को रुला के उसके आंसू को पोंछना। आंसू पोंछने की कोई जरूरत नहीं। अरे पगली, तुम तो रोने लगी, मैं तो मजाक कर रहा था। मिठाई तो तुम्हारा भाई पहले नंबर से पास हुआ उसकी है। हाँ, अखबार में उसका नाम भी आया है। हे भगवान, अमर बाबू, अब तो मेरे भाई को जल्दी नौकरी मिल जाएगी ना, आपकी तो बहुत पहचान है ना, एक बार बस एक बार मेरे भाई को नौकरी दिला दो, आपका उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। बस फिर उसकी धूमधाम से शादी करवाऊंगी, और फिर? और फिर क्या? मैं तो जिंदगी भर आपकी राह देखूंगी। इतना भरोसा है तुम्हें मुझ पर? पहले नहीं था, अब तो सपने भी गवाही दे रहे हैं। आशा, नहीं ये कोई सपना नहीं, समझे? तो सपने में तो मैं तुम्हें रोज गले लगाता हूँ ना। सपने में तो आप बहुत शरारत करते हो। अच्छा।
तेरी हंसी खोले पोल, तेरे प्यार भरे बोल, मेरा मन गया डोल, बजा के प्यार का ये ढोल, मेरा दिल मिट्टी में न रोल, तोबा तेरा ये शबाब, उफ ये होठों के गुलाब, तेरा रूप अनमोल, तूने ऐसी लगाई है घात रे, दीवाने हो गए मेरे जज्बात रे, दीवाने हो गए मेरे जज्बात रे। खुशियाँ हैं अब तेरे हाथ रे, मेरी खुशियाँ हैं अब तेरे हाथ रे, मेरी खुशियाँ हैं अब तेरे हाथ रे। तुम भाई बहन को दुखी समझ के आसरा दिया था, पर आज अपनी आंखों से देख लिया है, ये कोई चकला घर नहीं है। चंदू काका, अगर यहाँ गाड़ी वाले का आना बंद नहीं हुआ ना, तो मैं अपने पान की दुकान बंद कर दूंगा और मेरी पगड़ी के पैसे वापस दे दो। अरे हमारी भी जवान बेटियां हैं, आशा को ऐसा काम करते देखेंगी तो उनके भी संस्कार बिगड़ेंगे। और नहीं तो क्या, मैं रोज देखता हूँ वो उस मोटर वाले के साथ रोज गाड़ी में पता नहीं कहाँ जाती है। किरण बेटा, तू पढ़ा लिखा और समझदार है, मैंने तो तुझे बचपन से ही अपने बेटे जैसा माना है, और बेटा जवान बेटी तो खुली तिजोरी जैसी होती है, उसे संभाल के नहीं रखोगे तो। नहीं काका, नहीं, मुझ पर विश्वास रखना काका, मैं आशा को समझाऊंगा। मैंने नौकरी की अर्जी दी थी, उसका भी जवाब आ गया है, मैं खुद जल्द से जल्द उसकी शादी कर दूंगा काका। हाँ बेटा, नहीं तो मजबूर होके मुझे घर खाली कराना पड़ेगा। ऐसा वक्त नहीं आएगा काका। बेटा, पैसे वालों पर तो कोई उंगली नहीं उठाता, पर हम गरीबों की इज्जत पर दाग लगे ना तो उसे मिटाना मुश्किल होता है। सच बात है माँ जी, सच बात है। गाड़ी वाले का पत्ता साफ। भाई, भाई, अरे ओ मेरे भाई, तू तो पहले नंबर से पास हो गया। ले भाई, मुंह मीठा कर ले, ले। इस मिठाई के बदले भाई के लिए जहर लाने की जरूरत थी। भाई, इतनी देर रात तक कहाँ गई थी? फूल बेचने। आशा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तुझे अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसा बोलने के लिए शर्म नहीं आई? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि जिस बस्ती में आज तक इतनी इज्जत के साथ जी रहे थे, उसी बस्ती में लाज शर्म छोड़ के रोज रोज रात भर घूमती रहती हो तुम। बस कर केतन, अब मुझसे और सुना नहीं जाता। कहां से सुनोगी आशा, सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य, सत्य तो ये है कि जिसके साथ मैं गाड़ी में बैठकर जाती हूँ उससे मैं प्यार करती हूँ। सत्य तो ये है कि वही अमर बाबू मुझसे शादी करना चाहते हैं। और सत्य तो ये है कि तू अगल बगल वालों की बातों में आकर अपनी सगी बहन के चरित्र पर शक कर रहा है। और सत्य तो ये है, सुन ले केतन, कि जगत की कोई ताकत मुझे और अमर बाबू को मिलने से नहीं रोक सकती। आशा। वाह वाह मेरे भाई वाह, अरे इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी कि मेरे प्यार का बदला मुझे कब मिलेगा। जिस बहन ने तुझे छोटे से बड़ा किया,
दुख का एक साया भी नहीं पड़ने दिया, इसलिए कि मुझ पर माँ बाप का साया नहीं था, पर माँ के जाने के बाद सहारा तो मिलेगा। इसमें तेरी कोई गलती नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। मुझे भागन के भाग में इससे ज्यादा और क्या होगा, और क्या होगा बहन। अभागा तो मैं हूँ बहन। आशा, चंदू काका ने घर खाली कराने की धमकी दी है। केतन। हाँ बहन, हमारे रहने का आसरा भी छिन जाएगा, और फिर कर्जा कहाँ से चुकाएंगे? कर्जे की फिक्र तू मत कर, मेहनत मजदूरी करके मैं सारा कर्जा चुका दूंगी। नहीं बहन, नहीं, मैं कल ही नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। जैसे ही नौकरी मिलेगी वैसे ही मैं तेरी और अमर बाबू की शादी फिक्स कर दूंगा भाई। हाँ बहन, हाँ हाँ, पर बहन, गंगा जैसी पवित्र मेरी बहन पर कोई कलंक का कीचड़ उछाले वो मुझसे सहन नहीं होगा। बहन, बहन मुझे वचन दे कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती तब तक तू अमर बाबू से नहीं मिलेगी। केतन। और मिलेगी तो तुम्हें तुम्हारे भाई की कसम है। भाई, तू ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भाई? ठीक है भाई, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। संभाल के जाना भाई। तुम चिंता मत करना बहन, मैं जल्दी आऊंगा। संभाल के आऊंगा बहन। अरे आशा, तुम यहाँ? अमर बाबू, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, आज के बाद से आप मुझसे मत मिलना। मगर आशा, आशा, आशा। आशा, आज मैं तुझे मजा चका के रहूंगा, ये पोपट आज तुझे पान खिला के रहेगा। पर वजह क्या है? आप चले जाओ, मेहरबानी करके आप चले जाओ यहाँ से। पर मैं आपसे विनती करती हूँ, आप चले जाओ। पर आशा, मैंने किया क्या है? बस आप यहाँ से चले जाओ। आशा, आशा मेरी बात तो सुनो। आशा, ठीक है आशा, मैं जा रहा हूँ, पर मुझे अपने प्यार पर भरोसा है, एक दिन तुम ही मुझे बुलाने आओगी। आशा, तुम ही मुझे बुलाने आओगी। बहन, बहन, लो, आज
तुम मुंह मीठा करो, मुझे नौकरी मिल गई है बहन, 2-3 दिन में मुझे जाना है। अच्छा हुआ भाई कि नौकरी मिल गई। बहन ये क्या हुआ बहन? भाई कल रात पोपटलाल 4 गुंडों को लेकर मेरी इज्जत पर हाथ डालने आया था। बहन ये तो अच्छा हुआ कि अमर बाबू वक्त पर आ गए। मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ बहन, मैं सब कुछ समझता हूँ। आज मैं अमर बाबू के साथ फैसला करके ही रहूंगा। भाई, भाई। छोटे सेठ बाहर आपसे मिलने कोई आया है। कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर साहब आशा बहन नाम की कोई। आशा, आशा तुम आ गई। अमर बाबू केतन यहाँ आया था? उसी की तो राह देख रहा हूँ, अगर वो आए तो उसके पैरों में गिरकर तुम्हारा हाथ मांग लूं। अमर बाबू हमारी भलाई इसी में है कि आप मुझे भूल जाओ, भूल जाओ। आशा, 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 आशा। माँ मैं क्या करूँ, मुझे बचाओ माँ, मुझे आशा, बचाओ। आशा मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया के साथ लड़ने को तैयार हूँ। एक बार वचन देने के बाद ऐसी कौन सी बात है कि तुम मुझसे दूर भाग रही हो आशा? उसका जवाब मैं नहीं दे सकूंगी, नहीं दे सकूंगी। आशा अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो कह दो, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर आज महाकाली के सामने कसम खा के कहता हूँ आशा कि तुम्हारी मांग में सिंदूर होगा तो सिर्फ मेरे नाम का। अमर, ये क्या किया अमर? नहीं। आशा, अमर बाबू आशा को भूल जाइए, कहाँ आप पैसे वाले अमीर आदमी और कहाँ वो नीच स्तर की मामूली भूल वाली। खबरदार आशा के बारे में एक शब्द भी बोला तो आशा मेरा प्राण है। अरे मैंने उससे प्यार किया है, आशा मेरे मन मंदिर की प्रेम मूर्ति है, मैं जन्मों जन्म उसका इंतजार करूंगा। अमर बाबू, अमर बाबू आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, आशा के मुंह से आपकी बहुत तारीफ सुनी थी, पर आज पता चल गया कि आप सचमुच देवता हो। पर तुम हो कौन? मैं आशा का भाई हूं। हाँ। केतन मुझे माफ कर दो भाई। अमर बाबू आप मेरी बहन के साथ शादी करना चाहते हैं, परंतु इतना ही कहने आया हूं कि मेरी बहन को दहेज में देने के लिए मेरे पास उसके संस्कार और गुणों के सिवा और कुछ नहीं है। अमर बाबू, भाई दहेज तो पाप होता है, इसने हमारे देश की कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, मैं तो अपनी और आशा की जिंदगी आबाद करना चाहता हूँ। अमर बाबू, अमर बाबू, बहन बहन मैं तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, दिन तिथि सब पक्का करके आया हूँ बहन। मुझे शादी नहीं करनी। अरे पर मैं एक जवान बहन को ज्यादा दिनों तक घर में नहीं रख सकता, मुझे समाज ताना मारे उससे पहले मैंने फैसला कर लिया है। मेरी तुम्हें आज्ञा है, तुम्हें शादी करनी ही होगी। देख भाई तूने जिद की तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, पर मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। यानी अमर बाबू के साथ भी नहीं करेगी, यही ना? हाँ बहन, अमर बाबू के साथ सारी बात पक्की करके आया हूँ, अब तुम्हारे शादी की मधुर शहनाई सुनने के लिए मेरे कान आधीर हो रहे हैं बहन, आधीर हो रहे हैं। भाई छोड़ बाबुल का घर मेरी बहना चली, बन के दुल्हन वो अपने पिया घर चली। छोड़ बाबुल का घर मेरी बहना चली, बन
देखा हाँ? कुछ नहीं बहन, कुछ नहीं। जरूर कोई बात है, बोलना मेरे भाई, बोलना। बहन, मैंने तो तुझे सपने में विदा भी कर दिया बहन। मैं तो ऐसे विदा हो जाऊंगी, ऐसी नहीं हूँ मैं। अरे भाई, तुझे तो किसी सेठ के यहाँ जाना था ना, कब जाएगा? अरे हाँ। कैसे? मुझे लगता है कि अमर जरूर किसी और लड़की के चक्कर में होगा, वरना चांदनी को एक बार हाँ करने के बाद ना क्यों करता? इसमें सारी गलती आपकी है। जिस वक्त अमर ने हाँ कहा था उसी वक्त सगाई कर लेनी चाहिए थी, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। माँ, कुछ भी हो जाए, मैंने अमर से प्यार किया है, मैंने उसे मन, कर्म और वचन से पति माना है, मैं उसी से ही शादी करूंगी, नहीं तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी माँ, मर जाऊंगी। सेठ जी। प्रणाम सेठ जी। आओ केतन, आओ। सेठ जी, आपके दिए वचन के मुताबिक मैं अपना कर्जा लेने आया हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? सेठ जी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरी बहन की शादी तय हो गई है। सेठ जी, मैं आपसे विनती करने आया हूँ, आप मेरे पिता बनके मेरी बहन का कन्यादान करेंगे तो आपका उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सेठ जी। अरे, यहाँ हमारी सगी बेटी की शादी के सपने टूटते जा रहे हैं और तुझे यहाँ अपनी बहन की शादी की पड़ी है? मतलब? मैंने एक लड़के से प्यार किया है, उसने शादी के लिए हाँ कहा था, पर अब वो ना कह रहा है। अगर मेरी शादी उसके साथ नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगी भाई, मैं मर जाऊंगी। नहीं बहन, नहीं, तू ये क्या बोल रही है? तेरा भाई जिंदा हो और तू मरने की बात कर रही है? भगवान चाहेंगे तो दोनों बहनों का मंडप साथ में ही बनेगा,
बहन तू मुझे उसका पता दे, मैं उसे समझाऊंगा। साहब साहब मैं डीके सेठ के यहां से आया हूं। साहब चांदी मेरी बहन है साहब, वो बहुत सुंदर है, गुणवान है, संस्कार का भंडार है साहब। और साहब आप जितना कहेंगे हम दहेज देने को तैयार हैं साहब, पर साहब आप चांदनी के साथ शादी के लिए हाँ कर दो साहब, मैं उसकी जिंदगी की भीख मांगने आया हूँ साहब। केतन अमर बाबू, केतन नहीं नहीं केतन 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 सेठ जी ने कन्यादान देने से मना कर दिया। कोई बात नहीं भाई, इसमें क्या हुआ, तू है ना, वैसे भी इस दुनिया में मेरा सब कुछ तू ही तो है भाई, पर तू बोलता क्यों नहीं, बोल ना भाई बोल। बोलू तो क्या बोलू, नसीब का खेल न्यारा है बहन। क्या आज आज इस अभागे भाई को दाई और बाई आंखों में से एक को बंद करना पड़ेगा, ऐसा समय आ गया है बहन। पर मैं कुछ समझी नहीं भाई। बहन कलेजे पर पत्थर रख के सुनना, तुम मेरी सगी बहन हो और चांदनी को मैंने बहन माना है। तुम अमर बाबू से प्यार करती हो और चांदनी भी अमर बाबू से प्यार करती है और अमर बाबू से शादी करने की जिद कर बैठी है। केतन। हाँ बहन बोलो बहन, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं बहन, तुम्हारी शादी करूं तो चांदनी जहर पिएगी और चांदनी की शादी करूं तो तेरा जीवन बर्बाद होगा बहन। नहीं भाई नहीं, मैंने तो जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, इसलिए दुख सहने की तो आदत पड़ गई है, पर चांदनी ने दुख का साया भी नहीं देखा है भाई। तूने उसे वचन दिया है तो तेरी बात की लाज रखूंगी भाई, अमर बाबू को चांदनी के साथ शादी करने के लिए मजबूर करूंगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ अमर, तुम जितना कहो उतना दहेज देने को तैयार हूँ, तुम चांदनी को स्वीकार कर लो नहीं तो सगे संबंधियों में मेरी बदनामी होगी और मेरी चांदनी जहर पी के आत्महत्या कर लेगी। डीके सेठ, सिर्फ हमदर्दी और बातों के संबंध के साथ मैं चांदनी से अपना जीवन कैसे बांधूं? आज मैं आपको साफ लफ्जों में कह देता हूं, मैं इस शादी के लिए जरा भी तैयार नहीं हूं। पर इसका कोई कारण, मेरी कोई गलती, मेरी बेटी में कोई कमी है क्या? आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है डीके सेठ, मगर आप कारण जानना ही चाहते हैं तो सुन लीजिए, मैं दूसरी लड़की से प्यार करता हूं। दूसरी लड़की? हाँ, जिसके साथ मैंने शादी करने का फैसला किया है। पर अमर, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अमर बाबू। अरे आशा, अच्छा हुआ तुम आ गई, अभी अभी चांदनी के पिताजी आए थे, वो जबरदस्ती चांदनी की शादी मुझसे करना चाहते थे, मैंने तो साफ साफ कह दिया ये बात मुमकिन नहीं है। अमर बाबू, चांदनी को ठुकरा के आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। भूल? हाँ अमर बाबू, क्योंकि अब मैं आपके साथ शादी नहीं करना चाहती। आशा ये तुम क्या कह रही हो? जो मैं बोलना नहीं चाहती थी। अमर बाबू मैंने आज तक आपको अंधेरे में रखा, लेकिन आज अब मुझे कहना पड़ेगा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। नहीं आशा नहीं, कह दो कि ये झूठ है। आशा कह दो कि ये झूठ है। ये सच है अमर बाबू, एक बार मैंने आपको कहा था कि जब आपकी शादी होगी तब आपकी बीवी को मैं सजाऊंगी, उसके हाथों की हथेली में मेहंदी मैं लगाऊंगी, उसके बालों में गुलाब का गजरा मैं लगाऊंगी। आशा मेरे अरमानों को आग लगा के तुम मेरी सेज सजाना चाहती हो? आज तक तुमने मेरे साथ दगा किया, मेरे साथ खेल खेला, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चली जाओ, कहता हूं चली जाओ यहां से। अमर
बेटी। ये ले 10,000 रुपए और मेरी बेटी के रास्ते से हट जा। ओह, तो इन पैसों से आप अपनी बेटी का सुख खरीदना चाहते हो? पर सोचिए कि मैं आपको 20,000 रुपए देती हूँ, तो क्या आप अपनी बेटी का सुख बेचने के लिए तैयार हो जाओगे? सेठ, आशा और अरमान इन कागज के टुकड़ों से नहीं खरीदी जाती। रखिए इन पैसों को, आपकी बेटी की शादी में काम आएंगे। बेटा अमर। ठीक है सेठ, आप वापस किस लिए आए? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। बेटा तुम्हें जरूरत है, तुम्हें सहारे की जरूरत है। बेटा अच्छा हुआ तुम बच गए। तुम जिसे प्यार करते थे, उसे देखते ही मैं पहचान गया कि वो तुम जैसे पैसे वालों के साथ प्यार का नाटक करके पैसे ऐंठती है। नहीं सेठ जी, ये सच है बेटा, वो मुझसे भी अभी 10,000 रुपए लेके गई। क्या? यानी सिर्फ उसे पैसों की भूख थी? नहीं सेठ जी, जरूर आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कर। नहीं, मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं। आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। ठीक है। विश्वास नहीं आता हो तो देख ले ये फोटो। जिस दिन मैं घर से भागी थी, उस दिन ये फोटो मैं अपने साथ ले आई थी। भाई, चांदनी के पिताजी ही तेरे और मेरे ही पिताजी हैं। बहन, यानी कि चांदनी मेरी ही बहन है? हाँ भैया, एक बाप के खून के रिश्तों को आखिर में भगवान ने इस तरह मिलन करवाया। बहन, तब तो मैं अभी जाके पिताजी के पैरों में गिर के सब बात बता दूंगा। नहीं भैया नहीं, बलिदान देने वाले बोलते नहीं, उसका बलिदान बोलता है। चांदनी मेरी छोटी बहन है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, और बड़ों को हमेशा तो देना ही पड़ता है, देना पड़ता है। वो फूल वाली और उसका भाई कल सुबह तक खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है सेठ। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं जो कुछ कर रहा हूँ तेरे भले के लिए कर रहा हूँ। मेरी भलाई के लिए? मैंने जिसे भाई माना है, आप उस केतन को मार देना चाहते हैं? मेरी बहन आशा का खून करना चाहते हैं? हाँ, उसी की वजह से अमर तुझसे शादी करने से मना कर रहा है। जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद की, उसकी भी जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगा। वाह सेठ वाह, भाग्य लिखने वाला भगवान भी कैसे कैसे लेख लिखता है। एक लाडली बेटी के कारण एक बाप अपनी बेटी का खून करने को भी शर्माता नहीं। मतलब? ठीक है सेठ, आप जिसे 10,000 देकर मेरी नजरों में गिराना चाहते थे, वो फूल वाली और कोई नहीं मगर आपकी बेटी आशा है। नहीं, ये झूठ है। ये सच है सेठ, और केतन आपका वो अभागा बेटा है जिसे जन्म देते ही आपकी पहली पत्नी पार्वती का स्वर्गवास हो गया था। विश्वास नहीं होता तो जाइए, जाके पूछ लीजिए आशा से, उसकी माँ की कसम देकर। यानी आशा मेरी खोई हुई बेटी, केतन 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 मेरा बेटा। यानी आशा और केतन मेरे सगे भाई बहन हैं। अमर बाबू, जल्दी कीजिए, उन लोगों की जिंदगी खतरे में है, चलिए। चलो। अरे केसर केसर, हमारी आशा मिल गई। वो फूल वाली है ना, वही हमारी आशा है और केतन ही हमारा बेटा है। मतलब वो अभागे अब तक जिंदा हैं? ऐसा मत बोल केसर, ऐसा मत बोल, मुझे जल्दी जाने दे, नहीं तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। पाप? अरे आपकी आशा खुद एक पाप है। भीख मांगते भिखारी के हाल से मेरे भाई के पैसों ने आपको देवजी से डी के सेठ बनाया, और आज फिर से उसी कुलटा को घर में लाना चाहते हो जो मेरी बेटी की जिंदगी में सौत बन के खड़ी है। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। केसर, आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये धन दौलत जमीन जायदाद सब तुझे मुबारक, मेरे लिए तो मेरी संतान ही मेरी दौलत है। चल हट। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। केसर, मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से दूर हो जा, मेरे रास्ते से हट जा, आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा।
केसर, केसर। बहुत थक गया भाई, अब थोड़ा आराम कर ले। अरे कौन हो, कौन हो आप लोग? चल निकल, अगर चल तो ले चलो इन्हें। भाई, बहन, 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 आशा, बहन, केतन, इन्हें तो बहुत चोट लगी है। चलो अमर, इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ, चलो आराम से संभल कर। डीके सेठ, हॉस्पिटल में बी ग्रुप के ब्लड का स्टॉक खत्म हो चुका है। आप में से किसी का भी ग्रुप इनसे नहीं मिलता। मम्मा, आशा, बेटी आशा, वहीं रुक जाइए पिताजी। नहीं चाहिए आपका प्यार और स्नेह, नहीं चाहिए आपका लाड और प्यार। भाई केतन, तुझे अपने पिताजी से मिलना था ना, यही है हमारे पिताजी, मिल ले। नहीं बहन, मिलना तो था पर अब नहीं। आशा मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। केतन, केतन बेटा, तू भी मुझे माफ कर दे। सुनिए, खून की व्यवस्था जल्दी कीजिए, आपकी पत्नी की जिंदगी खतरे में है। मेरी माँ को खून की जरूरत है, डॉक्टर साहब मेरा खून ले लो। नहीं मैडम, हम आपका खून नहीं ले सकते, आप बीमार हैं और ब्लड मैच करने का वक्त भी नहीं है। मैच करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, माँ और बेटी का खून तो एक ही होता है, घड़ा जैसे मटका और माँ जैसी बेटी। आप जल्दी से देख लीजिए डॉक्टर साहब। परंतु बहन, तुम्हें तो खुद खून की जरूरत है। मेरी मंजिल पूरी हो गई भाई। गुड न्यूज, ब्लड ग्रुप मैच हो गया है। तो फिर जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब और मेरी माँ को बचा लीजिए। माँ को बचा लो डॉक्टर साहब। नहीं बहन, तू ये क्या बोल रही है? अरे तू उसे खून देगी जिसने तेरा फूल जैसा बचपन मसल दिया? तू उसे खून देगी जो तेरे भाई को मारने तैयार हो गई थी? अरे जिसके कारण तुमको अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसने हमारे बाप का प्यार छीना, जिसके कारण हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, भीख मांगना पड़ा,
अरे जिसने हमारी मरी हुई माँ को गालियाँ दी, बहन तू उस चुड़ैल को खून देगी। चुप कर नालायक, माँ के लिए ऐसे शब्द बोलने के लिए तुझे शर्म नहीं आती? इसीलिए मैंने तुझे बड़ा किया और इसीलिए मैंने तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और इसीलिए मैंने मजदूरी करके तुझे पढ़ाया लिखाया कि तू शिक्षा पाकर मेरे मुंह पर ऐसे थूके। अरे तेरे एक वचन के कारण मैंने अपने अरमानों का गला घोट दिया और तू ऐसा बोलता है? अरे पागल, मैं तेरी बहन हूँ तो क्या ये चांदनी तेरी बहन नहीं? चाहे कुछ भी हो, ये हमारी माँ है। भले उसने हमें जन्म नहीं दिया है पर उसे क्या होता है, ये चांदनी की माँ है, ये मेरी माँ है और ये तेरी भी माँ है। और भगवान से मेरी एक ही अर्जी है कि माँ किसी की मरे नहीं, माँ किसी की मरे नहीं। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए। केसर, मैं कहाँ हूँ? केसर, तू हॉस्पिटल में है, तेरी हालत गंभीर थी। देख, तेरी बेटी ने अपना खून देके तेरी जिंदगी बचाई है। हाँ आशा, आशा ने मुझे बचाया, इस अभागन को आशा ने बचाया। अरे मैंने जिसे इतना दुख दिया उसी ने मुझे बचाया। आशा, आशा मेरी बेटी। केसर, केसर। डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर कुछ भी कीजिए पर आशा को बचा लीजिए प्लीज। देखिए मुझसे जितना भी बन पड़ेगा मैं करूंगा, डोंट वरी। लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें मौत के मुंह से बचा लिया।
हाँ बहन। आशा मेरी बेटी, आशा मेरी बेटी, मेरी मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची।